सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो मैं आज फिर से लेके आ गया हूँ एक नई वीडियो। तो आज की वीडियो भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आया हूँ दिल्ली से दूर बीकानेर, और बीकानेर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत खास और काफ़ी यूनिक मंदिर है, जहाँ पे आज मैं विजिट करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ उस मंदिर की मान्यता और उस मंदिर के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वो मंदिर है करणी माता का मंदिर। एंड फटाफट से मंदिर के अंदर चलते हैं एंड दिखाते हैं, और उस मंदिर को भाई चूहों वाला मंदिर भी बोला जाता है। तो फटाफट से उस मंदिर के अंदर चलते हैं एंड दिखाते हैं आपको उस मंदिर के बारे में क्या कुछ खासियत है, क्या क्या चीज़ें होती है वहाँ पे, एंड फटाफट से आपको चल के दिखाते हैं। मंदिर के बाहर पहुंच चुके हैं, गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा दी है और जूते भाई मैं यहीं पे उतार दे रहा हूँ गाड़ी के अंदर। आई डोंट नो कि अंदर कितना रखने का जगह है कि नहीं है, बट टू बी सेफर साइड मैंने यहीं निकाल दिए जूते, एंड जूते यहाँ उतार के चलते हैं अंदर। तो गाइज मंदिर की एंट्री कुछ यहाँ से होने वाली है, और यहाँ पे भाई जूते रखने का आप देख सकते हो, यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है शूज़ हेयर, और यहाँ पे जूते वगैरह रख सकते हो आप अपने। और भाई मंदिर के आसपास काफ़ी सारी शॉप्स हैं जहाँ पे आप तरह तरह के सामान ले सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। देखो यहाँ पे प्रसाद के लिए प्रॉपर बनाया हुआ है, तो आप ये पैकेट वाले प्रसाद ले सकते हैं और अंदर मंदिर के अंदर चढ़ा सकते हैं। सो गाइस मंदिर के अंदर जाने के लिए आपको प्रसाद लेना पड़ेगा, जो प्रसाद की थाली हमने बाहर से ही ले ली थी। बहुत सारी स्टॉल्स आपको मिल जाएगी प्रसाद के लिए, और ये जो थाली है ये 251 रुपए की पड़ी है, और इसके अंदर तरह तरह के आइटम्स अवेलेबल हैं जो मंदिर के अंदर चढ़ाए जाते हैं। सो गाइस प्रसाद की थाली के अंदर बेसिकली ये 251 में ये सारी चीज़ें मिली हैं, और ये जो प्रसाद है पक्षियों के लिए है, और ये चूहों के लिए है, और ये वाला जो बोलते हैं कि माता को चढ़ाया जाता है, और एक चुनरी भी है साथ में, और ये श्रृंगार का सामान है जो माता के लिए अंदर चढ़ाया जाता है। तो भाई प्रसाद लेके हम चले गए मंदिर के अंदर, एंड आइए आपको मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ। भाई मंदिर के अंदर बहुत खूबसूरत सी एंट्री बनाई हुई है, और पहले मैंने फटाफट से मत्था टेका एंड मैं चला गया अंदर मंदिर के, एंड अंदर जाके देखा 5 से 10 मिनट की लाइन लगी हुई थी, मतलब ज़्यादा कोई भीड़ भी नहीं थी। और भाई मैं भी लग गया लाइन में अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा माता रानी के दर्शन के लिए। एंड भाई जैसे ही मैं मंदिर के अंदर घुसा तो मुझे काफ़ी अजीबोगरीब दृश्य दिखाई दिया, और इतने सारे चूहे भाई मंदिर के अंदर मुझे दिखाई दिए, और भाई मैं तो घुसते ही मेरे पैरों के ऊपर से भाई एक दो चूहे क्रॉस कर गए। ठीक है, और भाई जो मंदिर में चूहों की संख्या है, मैंने बात करी वहाँ पे तो लोगों ने बताया भाई 25,000 से भी ज़्यादा चूहे वहाँ पे रहते हैं, जिनको भाई वो प्यार से काबा बुलाते हैं। और भाई मंदिर का अंदर का दृश्य कुछ इस तरीके से है, अभी भी हम लाइन में लगे हैं, देखो भाई ऊपर भी किस तरीके से चूहे ही चूहे हैं मंदिर के अंदर। तो भाई मंदिर के अंदर हमने अपना दर्शन किया, और भाई आप भी इस वीडियो के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं माता करणी जी के। एंड ये भाई अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है, मैंने जैसे तैसे करके वीडियो बनाई, और अपना जो प्रसाद और चुनरी थी माता की वो हमने अंदर चढ़ा दी, एंड फिर हम निकल गए आगे की तरफ। सो भाई इसी बात पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मंदिर के बारे में। मंदिर भाई माता करणी का मंदिर है, और चूहों के नाम से चूहों वाला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई आपके माइंड में भी ये आ रहा होगा कि यहाँ पे चूहों की पूजा क्यों करी जाती है और चूहे वाला मंदिर क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई जो माता करणी माता थी उनका जो बेटा था सौतेला पुत्र लक्ष्मण, तो भाई वो सरोवर पे पानी पीने जब गया हुआ था तो भाई उसकी पैर फिसलने की वजह से मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से भाई जो माता करणी है वो बहुत गुस्सा हो जाती है और यमराज के पास अपनी इच्छा लेके जाती है कि मेरे पुत्र को दोबारा जीवित कर दिया जाए। भाई यमराज काफ़ी ज़्यादा विनती के बाद मान जाते हैं और उनको ज़िंदा कर देते हैं, बट वो ज़िंदा करते हैं चूहों के रूप में। तो भाई इसलिए जितने भी यहाँ पे चूहे हैं वो माता करणी के पुत्र माने जाते हैं, इसलिए भाई यहाँ पे माता करणी के साथ साथ चूहों को भी काफ़ी ज़्यादा मान्यता से माना जाता है। और भाई एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे भाई इतने सारे ब्लैक चूहों के अंदर एक आपको सफ़ेद कलर का चूहा भी मिलेगा। अगर आपको वो दिख जाता है, यहाँ के लोग बताते हैं कि अगर वो चूहा आपको दिखता है तो आप काफ़ी ज़्यादा लकी माने जाते हैं। भाई यहाँ पे शॉप चेक करो, और यहाँ पे काफ़ी सारी तलवार, खंजर, डंडे और ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, और ये देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना ज़्यादा एंटिक लग रहा है, जैसे इसको घर वर में लगाए तो डेकोरेशन के लिए भी काफ़ी मस्त लगेगा। मंदिर से दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं भाई बीकानेर के जूनागढ़ फोर्ट के लिए, जो कि भाई करणी माता के मंदिर से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है।
तो भाई बीकानेर फोर्ट पहुंच के भाई हम पहले लेते हैं जाके टिकट। टिकट का प्राइस जो प्राइस है वो है 100 रुपये पर पर्सन एंट्री होती है, और आप जाके एक म्यूज़ियम की तरह उन्होंने चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, वो आप चीज़ें देख सकते हैं। बी फोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। एंड भाई इसके बाद फिर हम निकल जाते हैं अपने दोस्त की शादी में, खाते हैं गोलगप्पे एंड इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं एंड। सो गाइस कैसी लगी वीडियो आपको? अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो भाई वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को जरूर लाइक करो, एंड इसी तरह की मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।